जैसे हम एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं उसी प्रकार से हम अपने कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं। आप अपने लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। देन जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है प्ले स्टोर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्ले स्टोर सर्च करते हो दोस्तों, उसके बाद आपको गूगल प्ले सर्विस लिखा के आता है। देन सिंपल सा आपको यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप ऑन गूगल प्ले इस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सेम टू सेम प्ले स्टोर ओपन होता है गाइस। बट आपको यहाँ पे प्ले स्टोर डाउनलोड कैसे करना ये भी मैं बताता हूँ। बहुत सारे मैंने वीडियो भी देखे थे। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना होता है, देन यहाँ पे मोर टूल्स पे आना पड़ता है गाइस। देखिए यहाँ पे मोर टूल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मोर टूल्स पे आओगे उसके बाद क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करना है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देख लो, मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ अच्छे से समझाने के लिए। देखिए क्रिएट शॉर्टकट, तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन विंडो पे क्लिक करके, मतलब ये विंडो में ओपन होगा आपके डेस्कटॉप में, तो उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ये सब कर लोगे दोस्तों तो आपका कंप्यूटर के होम स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से प्ले स्टोर आ जाएंगे। जो सच में यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड होता है कि नहीं होता वो मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्ले स्टोर वहीं से ओपन किया हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का कोशिश करूंगा, फ्री फायर व्हाट्सएप कुछ भी, तो वो नहीं हो पाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद ये सिर्फ फोन में विंडो में नहीं काम करता, ये एंड्रॉइड फोन में ये सब डाउनलोड होता है। गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कंप्यूटर में प्ले स्टोर से एप्लीकेशन वगैरह तो डाउनलोड नहीं होते हैं। फिर भी आप चाहते हो कि अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन डाउनलोड करूँ, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँ, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए अलग मेथड है, वो कौन सा है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, वेब स्टोर WEBSTORE। आपको मैं वैसे स्पेलिंग बता देता हूँ, आपको तो मालूम होगा बट मैं फिर से बता रहा हूँ। आप यहाँ पे जैसे आ जाओगे वेब स्टोर सर्च करके गाइस, उसके बाद आपको सिंपल सा फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करना है। इसमें आपको ट्यूब बड्डी जैसे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, मतलब जो मोबाइल में एप्लीकेशन बोलते हैं, यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर बोला जाएगा आपके कंप्यूटर में। कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशन नहीं होता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं। और यहाँ पे आप ट्यूब बड़ी मतलब वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं, तो आप यहाँ पे सर्च कर लेना, मतलब फिल्मोरा टाइप का इस टाइप के एप्लीकेशन मिलेंगे, उससे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख लेना, सर्च वगैरह कर लेना, रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर से बताइएगा।